सबसे पहले तो मैं आपसे एक फीडबैक शेयर करना चाहूंगा। अनबॉक्सिंग के बाद ये पहनकर मैं अपने काम में बिजी हो गया। आई बिलीव मी कि मेरे शोल्डर्स पर कुछ है, मैंने कुछ पहना हुआ है, मुझको ये बिल्कुल फील ही नहीं हुआ और मैं बिल्कुल भूल गया। समटाइम होता है ना कि आप हेडफोन लगाकर भूल जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से मुझको भी जरा भी फील नहीं हुआ कि मैंने कुछ पहना हुआ है। अदरवाइज देखने में ये इतना बल्की लग रहा है कि ऐसा लगता है कि शायद कोई स्मॉल बेबी आपके शोल्डर्स पर बैठा हुआ है पूरा टाइम, ऐसा फील होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। You are watching Manzar Tech. Break the limits with Momin Hashir. हेलो दोस्तों, तो ये है सोनी का नया नेक बैंड स्पीकर, वायरलेस नेक बैंड स्पीकर, जिसका मॉडल नंबर है NS7। दोस्तों ये काफी न्यू टाइप का आप बोल सकते हैं सेगमेंट है कि ऐसे कस्टमर्स जिनको हेडफोन लगाने में थोड़ी तकलीफ होती है, दिक्कत होता है या फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो टीवी इंजॉय करते हैं, अपने फेवरेट शो नेटफ्लिक्स पर, प्राइम वीडियो पर 5.1 देख रहे हैं, डॉल्बी एटमॉस के कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन जब वो होम थिएटर ऑन करते हैं तो उनके साथ आजू बाजू में आस पड़ोस के लोग या दूसरे रूम में लोगों को तकलीफ होती है। तो ऐसे टाइप के लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है कि ये समझ लीजिए आपका एक पर्सनलाइज होम थिएटर आप इसको बोल सकते हैं, जो कि आपको डॉल्बी डिजिटल एंड डॉल्बी एटमॉस दोनों तरह के इफेक्ट देगा। इसका जो एक्चुअली डॉल्बी एटमॉस का जो यूसेज है, ये पर्टिकुलरली ब्राविया XR के साथ ही चलेगा, यानी कि सोनी में भी जो ब्राविया XR टीवीज है विद XR प्रोसेसर उसके साथ ही ये वर्क करेगा। किसी भी सारे के सारे डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड टीवी के साथ ये वर्क नहीं करेगा। तो आइए अब इसमें देखते हैं और क्या क्या है। 12 आवर्स की इसकी बैटरी लाइफ है, ब्लूटूथ तो ऑब्वियसली है, एंड हैंड्स फ्री कॉलिंग है, IPX4 रेटिंग है, तो इसको आप जो है अगर कोई स्प्लैश वगैरह पानी वगैरह थोड़ा बहुत गिर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखते हैं इसके और बाकी साइड में क्या है। यहाँ पर MRP वगैरह है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, MRP है इसका 24,990 रुपीज। बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स इस पे लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें X बैलेंस्ड स्पीकर्स लिखा हुआ है। ये स्पीकर जो है न्यू टाइप के स्पीकर्स है जो काफी स्लिम होने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल भी है। के बाद आप देखेंगे इसमें फ्लेक्सिबल डिजाइन है। हाँ, एक और बहुत अच्छी चीज है, इसमें माइक म्यूट बटन दिया हुआ है, यानी कि अगर आप वीडियो कॉलिंग पर हैं या मीटिंग में है, वीडियो मीटिंग में, तो म्यूट का बटन आप जो है डायरेक्टली फिजिकल दिया हुआ है, इजिली आप डायरेक्टली हेडफोन से ही अपना माइक म्यूट और या फिर ऑन कर सकते हैं। USB Type-C की चार्जिंग दी हुई है, 360° रियलिटी ऑडियो है, जैसे कि मैंने बताया कि फर्मवेयर अपडेट के साथ ये 360° सपोर्ट करेगा। बैक साइड में अगर इसके देखें तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा एक डॉल्बी एटमॉस का आपका जो ईयर शेप है, बेसिकली ये आपके ईयर शेप को भी एनालाइज करेगा और उस हिसाब से आपको लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एंड जो ऊपर से सीलिंग का इफेक्ट आएगा डॉल्बी एटमॉस का, वो सारी चीजें इफेक्ट इसमें आएंगी। अगेन इसके दूसरे साइड पर देखे तो आप वर्किंग करते हुए या आप टीवी एंजॉय कर रहे हैं, लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट आप देख रहे हैं, तो इन सारी चीजों पर इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। सप्लाइड एक्सेसरीज में इसमें वायरलेस ट्रांसमीटर है। ध्यान रखिए कि ब्राविया XR में भी डॉल्बी एटमॉस से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ ब्लूटूथ काफी नहीं है। इसमें एक एक्सेसरी आपको मिल रही है जिसको बोलते हैं वायरलेस ट्रांसमीटर, उसको आपको पहले ऑप्टिकल के थ्रू आपके टीवी में कनेक्ट करना होगा और उसके बाद इस डिवाइस से वायरलेस स्पीकर्स कनेक्ट होंगे, तो ही आपको डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट मिलेगा। हाँ, जरूरी नहीं है ये डिवाइस, लेकिन ये स्पीकर जो है ब्लूटूथ है, किसी भी टीवी में, किसी भी डिवाइस में जिसमें ब्लूटूथ हो उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा 101%। ठीक है, याद रखने वाली बात ये है कि अगर आपको टीवी से डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट लेना हो तो सबसे पहले आपको जो वायरलेस ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ेगी जो आपके टीवी में ऑप्टिकल से कनेक्ट होगा, और फिर उस वायरलेस ट्रांसमीटर से ये स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट मिलेगा। लेकिन उसमें भी आपको ये चीज अगेन याद रखना है कि ये सिर्फ कंपेटिबल है ब्राविया XR सीरीज में, सारे ही डॉल्बी एटमॉस वाले टीवीज में कंपेटिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके अंदर जो सप्लाइड एक्सेसरी है, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, क्या क्या दी हुई चीजें अंदर। सबसे पहले तो आपको आपके मोबाइल में हेडफोन कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लेना है और 360° के लिए भी एक एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड करना है, उसके बाद ही इसको आप जो है सेटअप कर पाएंगे। चलिए आप ओपन करते हैं, ये देखिए इट्स वेरी वेरी नाइस, दिखने में काफी अच्छा दिख रहा है। ये किसका वायरलेस ट्रांसमीटर डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट के लिए, और ये नेकबैंड टाइप स्पीकर्स, इट्स वेरी लाइट वेट, इसको आप काफी लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफी जो है यहाँ पर आप देखिए फ्लेक्सिबल नेकबैंड है। नीचे की देखते हैं और इसमें बॉक्स में पैकिंग में क्या क्या है।
एक वारंटी कार्ड, 360 डिग्री रियलिटी ऑडियो, म्यूजिक सर्विस, फ्री ट्रायल, एक कूपन दिया हुआ है, सेटअप गाइड है, ये इसमें केबल्स हैं, ये इतनी चीजें हैं। यहाँ पर ये कौन सा केबल है देखते हैं, ऑप्टिकल केबल इसके साथ सप्लाइड है, एक ऑप्टिकल केबल, सी टाइप केबल दिया हुआ है इसमें चार्जिंग के लिए, दोनों ही सी टाइप है, एक छोटा केबल है एक बड़ा केबल है। तो सो इट्स वेरी कंफर्टेबल, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी इसको पहन सकते हैं, काम करते हुए, मूवी देखते हुए। अब इसमें अगर आप बटन्स देखें तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम प्लस एंड माइनस लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ऑन एंड ऑफ जो है वो राइट साइड में है, ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए भी आई थिंक इसको लॉन्ग प्रेस ही करना पड़ेगा, एंड ऑन ऑफ के बाजू में यहाँ पर म्यूट बटन दिया हुआ है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और कनेक्ट करते हैं। इसका जो चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर देखिए सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर राइट साइड में। जो दो केबल्स थे सी टाइप के, एक इसके चार्जिंग के लिए और दूसरा जो केबल है वो कंटिन्यूस पावर सप्लाई के लिए है, जो इसका वायरलेस ट्रांसमीटर है डॉल्बी एटमॉस के लिए, उसके लिए है। तो चलिए अब इसको ऑन करता हूँ मैं। अभी हम लोग इसको पहले मोबाइल से पेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राविया एक्सआर में भी इसको कनेक्ट करके कि डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट कैसा आता है। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। अब आइए इसको मैं आपको दिखाता हूँ ब्राविया एक्सआर में कनेक्ट करके। एक्सआर में कनेक्ट करने के लिए स्पेशली डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट लेने के लिए आपको इस ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ेगी जो इसके साथ ही सप्लाइड आता है। ये देखिए मैंने इसमें ऑप्टिकल केबल कनेक्ट कर दिया है, दिस इज चार्जिंग केबल जिससे आप इसको पावर सप्लाई मिलेगी, और ये यूएसबी जो है टीवी की यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा और ये ऑप्टिकल आउट में कनेक्ट हो जाएगा। तो आइए अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। नेक बैंड स्पीकर को ऑन करने के बाद आपको टीवी में एक सेटिंग करनी पड़ेगी, 3D सराउंड साउंड को उसको ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आके आपको आना है रिमोट एंड एक्सेसरीज, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 3D सराउंड नेक बैंड स्पीकर हेडफोन्स इसको करना है, देन सेटअप 3D सराउंड। यहाँ पर देखिए ये कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश हो रहा है, यूएसबी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, ऑप्टिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। पेयरिंग मोड पे डालने के लिए पावर बटन को 7 सेकेंड्स तक आपको होल्ड करके रखना है। और उसके बाद ये जो डिवाइस है ट्रांसमीटर, इसके ऊपर भी एक छोटी सी बटन है, इसको भी होल्ड करके रखिए। और ये हो गया कनेक्ट। अब ये पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें मैं डेमो साउंड प्ले करता हूँ और आपको फीडबैक देता हूँ कैसा है। मैंने टेस्ट किया एटमॉस इफेक्ट 7.1 चैनल, अमेजिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।